मैं लैला हूँ। सियासत की लैला एक रंग ने मैं लैला हूँ। सियासत के इस लैला का मजनू कौन कौन? मैं लैला हूँ। लैला को अभी भी मजनू की तलाश। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। मजनूओं का दावा हजार, लेकिन फिर भी लैला अकेले। मजबूत आशिकी है ये लैला, मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लैला हूँ और मेरे हजारों मजनू हैं। मैं तो लैला हूँ। सियासत की लैला का मजनूओं पर डेरा। मैं लैला हूँ। ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे, क्या बीजेपी के लोगों से पूछो क्या राजभर को सीएम बनाएंगे जो उनके पास चेला लोग हैं? सियासी लैला के मजनू हजार। मैं तो लैला हूँ, बहुत चाहने वाले हैं। भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लैला हूँ, बहुत चाहने वाले हैं। लेकिन बंगाल में लैला के साथ हुआ खेला। बिहार में लैला ने किया खेला। लैला के धोखे से मजनू हुए चौकन्ने। मजनू की तलाश में बंगाल से यूपी आई लैला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी बाकी है, मैं आपके साथ रोहित रंजन, और आज बात होगी सियासी लैला की। जिस राज्य में चुनाव उस राज्य में लैला, पहले बिहार फिर बंगाल और यूपी में लैला की एंट्री हो चुकी है। लैला यानी कि भड़काऊ भाईजान, गजनवी प्लान लेकर यूपी में चुनाव जीतने के लिए मजनू की तलाश कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों पर यह लैला डोरे डाल रही है, उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, लेकिन इसके बाद भी लैला को मजनू नहीं मिल रहा। मेहरबान साहिबान कदरदान, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि सियासत की लैला की यूपी में एंट्री हो चुकी है। मजनू की तलाश में यह लैला अब यूपी पहुंच चुकी है। वो अलग बात है कि यूपी में चुनाव है और जहां चुनाव वहां लैला। 1976 में एक फिल्म आई थी लैला मजनू। इस फिल्म में लैला और मजनू एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अमीरी गरीबी की खाई ने दोनों को मिलने नहीं दिया। लेकिन 2021 की लैला सियासत की लैला है। बंगाल से धोखा मिलने के बाद अब वो यूपी मजनूओं की तलाश में पहुंच चुकी है। मैं लैला हूँ। चुनाव आते ही भड़काऊ भाईजान लैला बनकर चुनावी राज्य में पहुंच जाते हैं और वोट के लिए मजनू पर डोरा डालने लगते हैं। यूपी में ये लैला गजनवी प्लान लेकर आई है और मजनू की तलाश में है। इसके लिए लैला यानी भड़काऊ भाईजान छोटे पार्टियों पर डोरे डाल रहे हैं। ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे, क्या बीजेपी के लोगों से पूछो क्या राजभर को सीएम बनाएंगे जो उनके पास चेला लोग हैं? लैला यानी ओवैसी बीजेपी को रोकने के लिए छोटे छोटे पार्टियों को साथ मिला रहे हैं। यूपी में लैला का सबसे बड़ा आशिक ओम प्रकाश राजभर बनकर सामने आए हैं।
और राजभर लैला का सबसे बड़ा आशिक बने क्यों ना। लैला ने राजभर को सीएम बनाने का ख्वाब जो दिखाया है कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया, और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। यूपी की सियासत में इस लैला के मजनूओं की लिस्ट लंबी है। लैला यानी मियां उवैसी ने नए नए वादे करके इन पर डोरे डाले हैं। एक बार इस लैला के मजनूओं की लिस्ट देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर, SBSP, बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी, प्रेमचंद्र प्रजापति, भागीदारी पार्टी, बाबू राम पाल, राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल चौहान, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भारतीय, राम सागर बिंद, भारत माता पार्टी, रामकरण कश्यप, SBSP, राम कुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी। ये लैला के मजनूओं की लिस्ट है, लेकिन सवाल यह है कि इनका प्यार कितना परवान चढ़ेगा। प्यार में एक दूसरे के कसीदे गढ़ते इससे पहले ही मजनू भागने शुरू हो गए। लैला यानी मियां उवैसी के वादे पर इन मजनूओं को भरोसा नहीं। तभी तो जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश से मिलने पहुंच गए। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निजात मिले, उसके लिए समाजवादी पार्टी से अगर बात होती है या और किसी साथी से बात होती है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। भड़काऊ भाईजान उवैसी उर्फ लैला के मजनूओं को पता है कि अगर BJP से चुनावी लड़ाई लड़नी है और अपने वजूद को बचाना है तो फिर किसी दमदार साथी के साथ जाना ही होगा। लेकिन लैला के बिना ये काम पूरा भी नहीं होगा। तभी तो अखिलेश लैला को लेकर नरम है। उवैसी की एंट्री को लेकर क्या कहेंगे? उवैसी जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो सब दल आए, जो हटाना चाहते हैं और जो विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी आगे विकास कार्यों में। अब सवाल ये है कि क्या बाबू सिंह कुशवाहा लैला को अखिलेश से मिलाएंगे या फिर लैला से कन्नी काटते हुए अपना उल्लू सीधा करेंगे? हमसे कोई मजबूत पार्टी हमारे साथ करना चाहेगी तो हम लोग उससे मिलकर प्रस्ताव रखा क्या आज अखिलेश यादव के साथ? आज कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, आज तो खाली मुलाकात हुई। बाबू सिंह कुशवाहा के अखिलेश से मुलाकात के बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा में फूट पड़ गया है और इस फूट के पीछे लैला यानी मियां उवैसी को बताया जा रहा है, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल नेताओं को लैला के क्रिमिनल और भड़काऊ बयानों के कारण वोट कटने का खतरा सताने लगा है। यानी यूपी में भी लैला को बंगाल जैसा धोखा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, खबर तो अभी बाकी है कि बंगाल में पीरजादा ने लैला को धोखा दिया तो बिहार में लैला ने छोटे छोटे दलों को अंधेरे में रखकर 5 सीटें उड़ा ली, और यूपी के छोटे दल लैला के इस धोखे को लेकर चौकन्ने हैं। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ गलबहियां कर रहे हैं और उधर लैला के चक्कर में भागीदारी संकल्प मोर्चे में फूट पड़ गई है। यानी यूपी में ना तो लैला की दाल गलने वाली है ना ही मजनू मिलने वाला है। तभी हम कह रहे हैं खबर अभी बाकी है। प्यार परवान चढ़ा नहीं कि लैला के कारण बवाल शुरू हो गया है। यूपी में BJP और CM योगी को टक्कर देने के लिए बनी भागीदारी समाज पार्टी में फूट पड़ गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लैला यानी कि ओवैसी को गले लगा रहे हैं। सीटों के बंटवारों को लेकर सुबह शाम मियां ओवैसी से फोन पर घंटों बात कर रहे हैं। 403 सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगा, कार्यालय हमारे अलग अलग जिलों में खुल रहे हैं। लेकिन लैला के झांसे में आकर राजभर अपना ही घर जलाने पर तुल गए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा को लैला पसंद नहीं, लेकिन राजभर सुबह शाम सिर्फ लैला लैला ही जप रहे हैं। सियासत के लिए हैदराबाद से बाहर निकलने पर कभी लैला ने अपने मजनुओं को अंधेरे में रखकर धोखा दिया तो कभी खुद धोखे की शिकार हुई। मैं तो लैला हूँ, मैं लैला हूँ, मैं लैला हूँ, मैं लैला हूँ, लैला हूँ। बंगाल में लैला के साथ हुआ खेला। बंगाल में धोखा खाए मियां उवैसी उर्फ लैला आजकल यूपी में मजनू की तलाश कर रहे हैं। बंगाल में लैला के साथ पीरजादा ने खेला कर दिया,
लैला बन ओवैसी बंगाल की राजनीति में कूद तो गए, लेकिन उन्हें कोई मजनू नहीं मिला, जिसके कारण बंगाल से खाली हाथ लौटना पड़ा। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा, इंशाअल्लाह होता है। लैला को इससे पहले किसी ने गच्चा नहीं दिया था। बंगाल चुनाव में लैला ने मजनू पीरजादा पर डोरे डाले, उसके साथ चुनाव लड़ने का वायदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद मजनू को भूल गए। ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश मिलने पर पीरजादा अकेले ही चुनावी मैदान में कूद गए। माजी साहब को एक खबर हमने दी है आजाद साहब को बोलने के लिए, क्योंकि आजाद साहब जब से आए थे ना, आजाद साहब के साथ हमारा डायरेक्टली बात नहीं हो रहा है। 1.5 महीना हो गया, यहाँ कौन है क्या कर रहे है, कुछ खबर हमको नहीं दिए हैं, इसीलिए बहुत अंधेरे में हम रह गए। पीरजादा ने लैला को धोखा देकर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके बाद सियासत की लैला एक बार फिर अकेली रह गई और बंगाल में पार्टी का झंडा गाड़ने का ख्वाब अधूरा रह गया। ऐसा है ना, भारत की सियासत का मैं लैला हूँ। बिहार में लैला ने किया खेला, बंगाल में लैला के साथ खेला हुआ तो बिहार में लैला ने खेला कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 6 छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा ओवैसी की पार्टी को हुआ। गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई, जबकि मियां ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के 5 सीटों को अपने नाम कर लिया और कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। लैला अगर बिहार में चुनाव नहीं लड़ती या फिर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो आज बिहार में नीतीश की सरकार नहीं होती बल्कि तेजस्वी सीएम होते। और लैला यही खेला करने यूपी पहुंच गई। लैला की नजर यूपी में मुस्लिम बाहुल सीटों पर है और यही कारण है कि यूपी में एसपी बीएसपी से लेकर सभी छोटे दल लैला के धोखे को लेकर चिंतित है और लैला के प्यार को परवान चढ़ने से रोकने की कोशिश में है। वैसे अब लैला लैला करके उस चक्कर में राजभर के अपने घर में आग लग गई है। अब राजभर समाज के लोग ओवैसी और ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यूपी में राजभर समाज की 3% आबादी है, जबकि किसी किसी जिले में 22% तक राजभर समाज का प्रभाव है और वोट के लिए बनी लैला और राजभर की जोड़ी खतरे में पड़ गई है। भड़काऊ भाईजान की यूपी में एंट्री। तुम्हारे अल्फाज मेरी जूती पर, तुम मुझे कम्युनल बोलो, जिंदगी भर बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी के खिलाफ लैला का गाजी प्लान। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का। कम्युनल भाईजान के साथ जयचंद का गठबंधन। देखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। मजनू बनकर ओम प्रकाश राजभर लैला को रिझाने चले थे। लैला के गाजी प्लान के रास्ते यूपी की सियासत के शिखर पर पहुंचने का ख्वाब देख रहे थे। कम्युनल भाईजान की हर भड़काऊ एजेंडा का खुलकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब आग उनके ही घर में लग गई है। प्रदर्शन कर रहे ये लोग राजभर समाज से आते हैं और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और गाजी सालार की कस्में खिलाने वाले ओवैसी के गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, 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 ओवैसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इज्जत आबरू से खेलने का कार्य किया गाजी मियां, जिसके समाधि पर चादर चढ़ाने का कार्य ओवैसी ने किया और उनका साथ हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो नेता बनते हैं राजभर समाज का, उन्होंने दिया है। हम इन दोनों गद्दार नेताओं का पुतला फूंकने का कार्य यहां पे किए। सत्ता की लालच में राजभर भड़काऊ भाईजान के साथ गलबहियां कर रहे हैं। राजभर ओवैसी के साथ मिलकर बिहार जैसा चमत्कार होने का ख्वाब देख रहे हैं, यूपी का सीएम बनने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे, क्या बीजेपी के लोगों से पूछो क्या राजभर को सीएम बनाएंगे जो उनके पास चेला लोग हैं। गाजी के दरगाह में जाके मन्नत मांगे अगर असदुद्दीन ओवैसी, तो उससे आपको तकलीफ नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ओवैसी के फसादी रूट और बहराइच में आक्रांता गाजी सालार के मजार पर जाकर चादर चढ़ाने से राजभर समाज भड़क गया। महान प्रतापी राजा सुहेल देव को अपना आदर्श मानने वाला राजभर समाज लैला यानी ओवैसी और मजनू राजभर के सियासी प्रेम से नाराज हो गए हैं और ओम प्रकाश राजभर को खुली चेतावनी दे रहे हैं। इनको तो हम लोग अब देखना नहीं पसंद करते हैं। अगर ये राजभर बस्तियों में घुसते हैं तो इनको हम लोग ईटा पत्थर आधार लेकर के दौड़ा करके पीटने का कार्य करेंगे। यूपी में चुनावी मैदान मारने के लिए मियां ओवैसी बेचैन हैं। इसके लिए हिंदुओं की भावना को कुरेदने से भी गुरेज नहीं। मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने बहराई चुके आक्रमणकारी गाजी सालार के मजार पर जियारत की, जिसे हिंदू राजा सुहेल देव ने मौत के घाट उतार दिया था। पूर्वांचल के महाराजा सुहेल देव के नाम पर खूब राजनीति होती आई है। सभी राजनीतिक दल राजभर वोट बैंक को अपने पाले में रखना चाहते हैं। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12-22% है, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। इसी को देखते हुए हर पार्टी राजभर समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती आई है। गाजीपुर, मऊ, घोसी, बलिया, अंबेडकर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी और चंदौली में लगभग 10% राजभर आबादी है। ऐसे में अगर राजभर समाज के लोग नाराज हो जाते हैं तो इसका खामियाजा ओम प्रकाश राजभर को 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सीएम बनने का सपना देख रहे राजभर के ख्वाब पर ब्रेक लग सकता है। वैसे अब जिस बाबू सिंह कुशवाहा ने लैला के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका है, आखिर वो है कौन, इसका राजनीतिक कद कितना बड़ा है, मायावती से क्या है इनके रिश्ते और अखिलेश से मुलाकात के मायने क्या है, ये समझिए। यूपी की सत्ता के क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में भी योगी की सेना ने जीत का झंडा गाड़ दिया, लेकिन सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। फाइनल यानी विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बाकी है और इस सियासी संग्राम में विजय पताका फहराने के लिए सत्तासीन पार्टी से लेकर जन अधिकार पार्टी जैसी छोटी पार्टियों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। इसी के तहत जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और करीब 1 घंटे यूपी की सियासत पर चर्चा हुई। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निजात मिले, उसके लिए समाजवादी पार्टी से अगर बात होती है या और किसी साथी से बात होती है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा ने भी ये साफ कर दिया कि ओवैसी से उनका कोई नाता नहीं है, भले ही राजभर ने उन्हें बाहों में भर लिया। ओवैसी साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, न मेरी कोई मुलाकात है, न मेरी कोई बातचीत है। ये मुझे जानकारी आई है कि राजभर जी से उनकी मुलाकात है, वो गए हैं काज जगह, लेकिन मोर्चे में हमारे साथियों से कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाबू सिंह कुशवाहा कितने बड़े नेता हैं, जो उनसे अखिलेश यादव ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बाबू सिंह कुशवाहा की हैसियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा उनके राजनीतिक परिचय से आसानी से पता चल जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे। NHRM घोटाले में बाबू सिंह का नाम आया, मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। 2012 में बाबू सिंह ने BJP ज्वाइन की, लेकिन पार्टी नेताओं के विरोध की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा करीब 4 साल जेल में बंद रहे। मायावती के साथ चुनाव लड़कर पस्त हो चुके अखिलेश इस चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी काम आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब ये तो सियासत की तस्वीर है और उसमें कई रंग भी आपको देखने के मिले, इसलिए मैं कह रहा हूं खबर अभी बाकी है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।